हमारे पास 25 सेंटेंसेस हैं, ये सिंपल सेंटेंसेस हैं, 25 सिंपल सेंटेंसेस हैं, या तो सिंपल सेंटेंस हैं या दो सेंटेंसेस हैं, हमें उन्हें कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाना है। तो प्रैक्टिस लो सिंपल को कंपाउंड बनाने में। उन्होंने तो सिंपल दे दिया अपन को, और फिर वो अपन से कह रहे हैं कि आप इसको कंपाउंड बनाओ। तो कैसे बनाएंगे? अपन ने जितने भी वो फैट बॉयज किया था वो तो आ ही सकता है, उनमें से एक आ ही सकता है। उसके अलावा कंजंक्टिव एडवर्ब्स मैं कराना चाह रही थी, तो कंजंक्टिव एडवर्ब्स का लिस्ट मैंने आपको दे रखा है, हाउएवर वगैरह खोल के देखोगे तो मिलेगा, है ना? किसी की अब जस्ट उस लिस्ट को याद रखो और प्रत्येक का मीनिंग, केवल उस लिस्ट के मीनिंग्स को कल हम कर लेंगे, क्योंकि आज मुझे लिटरेचर भी कराना, फिर बहुत चार बज जाएंगे नहीं तो। इसलिए क्या करते हैं अपन कि क्या हो गया, चार बजे के नाम से ठीक आ गई, नहीं नहीं चार बजे तक तो नहीं बैठेंगे नोट पर। तो हम क्या करेंगे कि आज सिर्फ सिंपल को आप कंपाउंड बनाओ प्रैक्टिस करके, कल इन्हीं सेंटेंसेस में प्लस मैंने आपको बहुत सारे सिंपल सेंटेंसेस के एक्सरसाइज, कम से कम 150-200 सेंटेंसेस हैं आपके पास, कल एक दिन बैठकर उसका पूरा वो सारा मटेरियल कल लेकर आना। मैं आज लेकर आई हूँ पर आज तो टाइम ही ऐसा हो गया ना, इसलिए कल आप क्या करना, वो सारे सेंटेंसेस लेकर आना जो हमने सिंपल में प्रैक्टिस किया था। तब हम प्रैक्टिस करेंगे, फैन बॉयज नहीं करेंगे, फैन बॉयज अभी कर रहे हैं। सपोज कंजंक्टिव एडवर्ब लगाना हो, हाउएवर वगैरह, इवन देन, हाउएवर, ये सारी चीजें, तो हम क्या करेंगे, इन सेंटेंसेस को हम कैसे इन कंजंक्टिव एडवर्ब में फिट करेंगे ये हम देखेंगे, क्योंकि अगर वो ऑप्शन मेरा और अभी तक तो नहीं आया है, अभी तक तो नहीं आया है, अभी तक उन्होंने केवल फैन बॉयज पूछा है, ये फैन बॉयज में से ही कंपाउंड सिंपल सिंपल सेंटेंसेस दे रहे हैं और कह रहे हैं बताओ इसको कंपाउंड बनाओ, इसका सिंपल फॉर्म बताओ, सिंपल पूछ रहे हैं। बट हम क्योंकि सिंपल को कंपाउंड बनाने के आपके पास मेजरली दो तरीके, तीसरा तो देंगे ही नहीं। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आपके कोर्स में उन्होंने पंक्चुएशन नहीं डाला है, इसलिए हम उसमें तो नहीं फंसेंगे। पर फिर भी ये जो दो तरीके हैं, फैन बॉयज प्लस कंजंक्टिव एडवर्ब्स, ये तो हमें पक्का पता होना होगा। फर्स्ट ग्रेड में भी ये पंक्चुएशन वाली नहीं पूछ रहे, सारे उसके पेपर्स देखेंगे तो वही एट ऑल। कल आप सारे सिंपल सेंटेंसेस लाओगे और मैं आपको कंजंक्टिव एडवर्ब्स कैसे फिट करना है वो बता दूंगी, है ना? और फिर हम लिटरेचर कल जैसा भी होगा देखेंगे। आज तो सिंपली फॉर ऑल हिज रिचेस, फॉर आपका प्रेपोजिशन हो गया, ऑल हिज रिचेस, यहाँ कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है, ही इज नॉट कंटेंटेड, For all his riches, he is not contented. तो आप इस सेंटेंस में for all his riches, he is not contented, इस वाले में हम कंपाउंड कैसे बना सकते हैं, फैन बॉयज में से क्या लगा सकते हैं? But For all his riches, क्या मतलब निकला all his riches? For all his riches का मतलब थोड़ा बहुत अमीर है, अच्छा इतना अमीर होते हुए दुनिया भर का खजाना बड़ा है, for all his riches, है ना? He is very rich, yet ये स्थिति होते हुए He is not contented. इसका एक हल्का फॉर्म होता, He is rich but not contented. He is rich but not contented.
ही इज वेरी रिच येट ही इज नॉट कंटेंटेड. दोनों स्ट्रॉन्ग फॉर्म येट है, इतना है फिर भी संतुष्ट नहीं है. अगला सेंटेंस, सीइंग अ बेयर कमिंग, सीइंग अ बेयर कमिंग ही फ्लेड. आलू को आते हुए देख वह भाग निकला. सीइंग अ बेयर कमिंग ही फ्लेड. क्या सकता है? He saw a bear coming and so when नहीं लगेगा, when लगाते complex sentence बन जाएगा. When he saw a bear coming, he fled complex बन जाएगा. When WH शब्द बिल्कुल दूर रहो complex में, वो complex है सारे WH. That, if, WH वाले when, where, why ये सारे शब्द, फिर that, फिर if. ये सारे के सारे आपके कॉम्प्लेक्स हैं. आपको तो कंपाउंड बनाना है, फैन बॉयज या फिर वो जो हमारा कंजंक्टिव एडवर्ब हम कल देखेंगे. और इसलिए ही सॉ अ बेयर कमिंग एंड सो ही फ्लेड. वो देन वेन सब देंगे, नजर ही मत डालना उस पर. बिसाइड्स मी, केवल मैं ही थोड़ी ना कह रहा हूं, केवल मैं ही थोड़ी ना कह रहा हूं कि वो गलत है, सभी कह रहे हैं. अब ये कैसे बनेगा? सिर्फ मैं थोड़ी कह रहा हूं कि वो गिलती, सभी कह रहे हैं. नॉट ओनली बट ऑल्सो आ सकता है ना? कैसे बनाओगे? अब मैं नहीं बता रही, तुम लोग घर इसको प्रैक्टिस करो, है ना? हिंट लो घर पे, क्योंकि केवल नॉट ओनली बट ऑल्सो जानने से काम नहीं चलेगा. उसका एक स्ट्रक्चर है. नॉट ओनली के साथ ये स्ट्रक्चर है, बट ऑल्सो के साथ ये स्ट्रक्चर है. हाँ, तो उसको, उस स्ट्रक्चर को पूरा प्रैक्टिस करो, इसको होमवर्क में करना. फोर, ना केवल उसने उन लोगों को सलाह दी पर उसने खुलकर उनकी मदद भी की. नॉट ओनली बट ऑल्सो ही नॉट, इसको दोनों तीनों स्ट्रक्चर से बनाओ. ही नॉट ओनली एडवाइज देम बट ऑल्सो हेल्प देम वेरी जेनरसली, जो भी आ रहा है ना. नॉट ओनली डिड ही एडवाइज देम. देखो एक बात समझो, शॉर्ट फॉर्म ये है, बस काम चल गया, ये आ गया ना, ये मत करो. अगर वहां कोई स्ट्रक्चर, वो शॉर्ट फॉर्म नहीं आकर, वो तुम्हारा नाइदर नॉर वाला, नाइदर डिड नॉर ये, है ना, ये वाला, या नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसमें नाइदर डिड नहीं आने वाला, ये तो नॉट ओनली बट ऑल्सो है. बट इन दोनों स्ट्रक्चर्स को प्रॉपरली इसलिए प्रैक्टिस करो क्योंकि कोई उसमें ऑप्शन वो वाला करेक्ट हो तो तुम्हारा स्ट्रक्चर करेक्ट होना चाहिए. ओ मैंने तो नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा दिया, मेरा आंसर करेक्ट है, इज नॉट. उसमें भी दो ऑप्शन होंगे, एक में स्ट्रक्चर गलत होगा, एक में स्ट्रक्चर गड़बड़ होगा. आपको करेक्ट स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करना है, जो मैंने बोर्ड पे कराया था. इज इट क्लियर? इसलिए इसको प्रॉपरली प्रैक्टिस करना. नॉट ओन, इसको यू भी कर सकते हो, ही नॉट ओनली एडवाइज टू देम बट ऑल्सो हेल्प देम जेनरसली, ये तो सबसे कॉम्पैक्ट है. पर ये भी घर पे प्रैक्टिस करो, नॉट ओनली डिड ही एडवाइज देम बट ऑल्सो ही हेल्प देम जेनरसली. ओके, अगला घर पे करना, दोनों स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिस करना है. मत लिखो हेल्प, अभी कौन सा कंजंक्शन लगेगा, पे अटेंशन, घर जाके देखो कर पा रही हो या नहीं, देखो सेंस क्या है. ड्रॉइंग हिज सोर्ड
he rushed at the enemy, drawing his sword, he rushed at the enemy. Fault.
ही एस्केप्ड पनिशमेंट बाय एडमिटिंग दिस फॉल्ट. ही एस्केप्ड पनिशमेंट बाय एडमिटिंग दिस फॉल्ट.